गार्निश सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें पनीर डाल दिए, थोड़ा थोड़ा टेस्ट बढ़ गया इसका, बच्चे सबको पसंद आएगा। आप इसे टिफिन में बनाकर दे सकते हैं बच्चे सबको। हाय फ्रेंड्स, सबको संयुक्त किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए मैं ये पास्ता ले रखी हूँ 200-250 ग्राम से, 300 ग्राम करीब होगा। तो इसे साइड कर देते हैं। तो ये देखिए जो ये ऐठा उठा वाला रहता है वो पास्ता ले रखी हूँ, बच्चे सबको यही पसंद आया। तो ये देखिए इसके लिए मसाले की तैयारी। तो ये प्याज काट रखी हूँ दो मीडियम साइज के, ये अदरक है, मिर्ची लहसुन और ये गाजर काट रखी हूँ, धनिया पत्ता है और 2 से 3 टमाटर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डालूँगी नया ट्रिक से, बच्चे सबको बोल रहा था पनीर डालने के लिए पास्ते में। तो ये देखिए अब मसाले को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेड चिली सॉस है और ये है ग्रीन चिली सॉस और ये सोया सॉस है। तो इसे मैं डालकर बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स गैस की तरफ आ गए। तो ये देखिए मैं पानी चढ़ाने के लिए, उबालने के लिए चढ़ा रखी थी। तो ये देखिए गर्म पानी में धुआं निकल रहा है, हल्का हल्का भाप निकल रही है। इसमें नमक डालेंगे हल्की सी, ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्की सी इसमें नमक डाल दिए हैं उबालने के लिए पास्ता को। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स थोड़े से 1 चम्मच के करीब, थोड़ी सी ही, ज़्यादा ही नहीं, 1 चम्मच भी नहीं है, हल्की सी 2-3 बूंद होगा, ऑयल डाल दिए हैं इसमें क्योंकि चिपके नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स पानी को उबाल आ गया है, इसमें डाल दे रही हूँ पास्ते को। इसमें सारे पास्ते को मैं डाल दी हूँ, इसे चला लेती हूँ हल्की सी। इसे 4 से 5 मिनट उबलने देते हैं, पकने देते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो गया है, ये अच्छी तरीका से ये पक भी गया है। तो मैं एक पीस आपको दिखा दे रही हूँ कट कर कर। तो ये देखिए कितना अच्छा ये पक गया है, देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, इसे बंद कर देती हूँ गैस को, ऑफ कर देती हूँ, इसका पानी निकाल लेती हूँ क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए, जब ठंडा पानी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा रखी है, फिर से वही कढ़ाई है, इसमें तेल डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच मैं तेल डाल दी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये ऑयल गर्म हो गया है तेल। तो इसमें सबसे पहले लहसुन और अदरक जो मिर्ची काट कर रखे थे वो डाल दे रहे हैं, प्याज डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा देर इसे जलाएंगे नहीं, इसे हल्की से सॉफ्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें गाजर भी डाल दे रहे हैं, बच्चे ज़्यादा जल्दी गाजर नहीं खाते हैं इसलिए इसी में डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसी के बहाने बच्चे गाजर भी खाए, हल्की फल्की भूख लगे हो बच्चे को, तो बना कर दिया करिए, दे सकते हैं बनाकर। तो ये देखिए इसे भी हल्का सा सॉफ्ट करना है, 1 से 2 मिनट इसमें भी लगेगा। तो इसमें पनीर भी डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, हल्का सा इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं, तो हल्की सी हल्दी डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्की सी डालें। तो ये देखिए हल्की सी मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स टमाटर डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ग्रीन चिल्ली डाल दे रहे हैं हल्की सी, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा 1 चम्मच के करीब, छोटे वाली चम्मच से रेड चिली डाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा सोया सॉस डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्की सी केचप डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा छोटा वाली चम्मच से डाली हूँ। तो सारे को मिक्स कर लेंगे और इसमें जो पास्ता बॉइल करके रखे थे उसे डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है एकदम, ये देखिए इसमें सारे को डाल के मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये देखिए सबको मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे सारे को मिक्स कर लिए हैं, अब 1 मिनट और इसे भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं इसे। ये लगभग हो ही गया है, इसे हल्की सी धनिया पत्ता के गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए
इसे नीचे से चलाते हुए पिकल में लगे ना। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बन चुका है। गैस को ऑफ कर दे रहे हैं, अब गार्निश सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें पनीर डाल दिए, थोड़ा थोड़ा टेस्ट बढ़ गया इसका, बच्चे सबको पसंद आएगा। आप इसे टिफिन में बनाकर दे सकते हैं बच्चे सबको।